तुम अभी तक सोए नहीं? और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ फूट गए पापा, इस बार मिली ने फिर से हमला किया पापा, उसने टेलीफोन के तार से मेरा गला घोटने की कोशिश की पापा। हाँ फिर वही बकवास, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होगा। पापा ये झूठ नहीं है पापा, ये सच है पापा, इस बार नटी ने भी खुद अपनी आंखों से देखा है पापा। ओ, तो तुमने अपने साथ अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया? मैंने वो देखे, हमें एक ही बात पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मिली ने तुम्हारे आंखों के सामने अर्णव पर हमला किया और तुमने कुछ नहीं किया? हा? नहीं, वो कहा है कि जब हम अर्णव के कमरे में गए थे तो मिली ने उसका गला दबाया हुआ था। एक बात बताओ, तुम इस घर में और अर्णव के कमरे में अंदर कैसे हैं जबकि सारे दरवाजे तो बंद थे? वो दरवाजा मैंने खोला। हाँ मैंने वो दरवाजा खोला, मगर तुम्हारे और नटी के हिसाब से तो मिली ने इस वक्त तुम्हारा गला दबाया हुआ था ना, फिर तुमने दरवाजा कैसे खोला? चलो रात बहुत हो चुकी है, जाओ। अन्ना तुम भी जाके सो जाओ। अर्णव तुम बिल्कुल चिंता मत करो, नटी ने हमें सब बता दिया, अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ अर्णव, हम सब ने तुझे गलत समझा, सॉरी बड़ी। हाँ अर्णव देखना, वाहेगुरु जी हमें इस मुसीबत से भी लड़ने का रास्ता जरूर दिखाएंगे। रास्ता वही तो खोजना है बाबू वालों। आइडिया, अर्णव को जंगल में अकेला छोड़ के आ जाते, मिली उस तक पहुँचने की जरूर कोशिश करेगी और जब वो उस पर हमला करेगी हम लोग पीछे से पकड़ लेंगे। ओए ओए, अगर उसके पहले कोई जंगली जानवर या भेड़िया आ गया तो? हम कुछ और सोचते हैं जिसमें मेरी जान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये तो तभी मुमकिन है जब हम मिली को घर से बाहर ले जाएं। मम्मी के होते हुए ऐसा हरगिज नहीं होगा, मम्मी जानती है कि मैं मिली से बहुत नफरत करता हूँ और मैं उसे घर के बाहर लेके गया तो मैं उसे गुम करके ही लौटूंगा। नफरत से नहीं तो प्यार से तो हम उसको बाहर लेके जा ही सकते हैं बाबू वाला, क्यों? हेलो आंटी। हेलो अर्णव, आज तुम सुबह से फिर गायब हो, ये सब क्या चल रहा है बेटा? I'm sorry mom, actually बहुत दिनों से मैं बेशर्मी से पेश आ रहा हूँ mom, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। I promise अब मैं समझ गया हूँ mom, actually वो क्या था कि मैं बहुत insecure था mom, और अब मैं समझ गया हूँ कि अगर मिली इस घर में रहेगी तो प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा mom, I'm extremely sorry mom। नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौटे तो उसे भूला नहीं कहते, और तू तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है और ये हमारी सबसे प्यारी फ्रेंड है ना मिली? तुम लोग आपस में खेलो, तब तक मैं कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ, ओके? मिली तुम हमारे साथ बाहर खेलने चलोगी ना? नहीं नहीं, अरे प्लीज मेरे पीछे मत पर। कैडी सीना सीना इसे उठाना, प्लीज इसे उठाना, मैं इसे गोदी में नहीं लेना चाहता। अरे कैडी तू खड़ी खड़ी तमाशा क्यों देख रही है, उसे उठाना प्लीज। अबे छोड़ना यार इसे कोई गोदी में उठाना, छोड़ना। लगता है विक्रम बेटा मिली को तुम ज्यादा ही पसंद आ गए हो। हाँ अब ये इतनी जिद कर रही है तो उठा लो ना उसे, छोटी सी बच्ची ही तो है। एक्चुअली आंटी मैं तो इसके साथ मजाक कर रहा था। चलो मिली बाहर घूमने चलते हैं। मैं जानती हूँ तुम सब मुझे पसंद करने का नाटक कर रहे हो ना। मैं जानती हूँ तुम सब मुझे पसंद करने का नाटक कर रहे हो ना, लेकिन तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो
ये खेलने का तरीका है तुम्हारा? अगर मिली को कुछ हो जाता तो? आंटी एक्चुअली मिली ने मुझे बोला। सॉरी आंटी, एक्चुअली मोटू कभी कभी भूल जाता है कि सब लोग उसकी तरह स्ट्रांग और हट्टे कट्टे नहीं होते। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं मिली का ख्याल रखूंगी। अब हम जाएं? हाँ बेटा, मगर प्लीज मिली का ख्याल रखना। मुझे नीचे उतारो। उतारूंगा नहीं, फेंकूंगा, और वो भी बाहर जाके। ये छोटी सी लड़की 2.5 फुट की भी नहीं है। आउच, और इतनी शैतान है। अरे रे मिली, ये सब क्या हो रहा है? लगता है आज इसे बाहर नहीं जाना। आंटी, हम तो मिली को सब गार्डन तक लेके जाना चाहते थे। आज रहने दो, फिर कभी लेकर जाना। ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, अब आगे क्या करें? जो भी करना है करो, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा हूँ। मैं उस शैतान की रानी को गोद में नहीं उठाने वाला। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी उसकी स्माइल से बहुत डर लगता है। बबोलो, अब आगे का करना है? इसका जवाब तो हमारी जादुई किताब में ही मिलेगा। आज से बहुत सालों पहले मिली अपने मम्मी डैडी के साथ इसी घर में रहती थी। उसके बाद एक एक्सीडेंट में वो अपनी मम्मी पापा के साथ अपनी भी जान गवा बैठी। मिली मर तो गई, लेकिन अपने घर के लिए उसका लगाव और प्यार कम नहीं हुआ, और अब वो वापस इतने सालों बाद इसी घर में रहने आई है। अपने अलावा वो किसी और बच्चे को इस घर में रहते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन नटी मैं ही क्यों? हमसे पहले जो फैमिलियां रहती थी उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ क्यों नहीं? एक मिनट हा? छो, ये देखो मिली के परिवार का फोटो। इसके मॉम डैड की शक्ल तो बिल्कुल मेरे मॉम डैड की शक्ल की तरह है। अब भी पहले हमें कुछ सुलझती हुई नजर आ रही है। अर्णव, तुम एक काम करो, अभी घर लौट जाओ, और हाँ, 1 घंटे के बाद वहां से निकल पड़ना। बाकी का जिम्मेदारी हम संभाल लूंगा, चिंता मत करो, जाओ। ठीक है नाटी, मगर प्रॉमिस करो कि तुम 1 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। हाँ बबुआ, हम प्रॉमिस करता हूँ, जाओ। मिली यहां? अब मैं क्या करूंगा? अब तुम कुछ नहीं कर सकते भैया। अब मुझे पार्क में घुमाने नहीं ले जाओगे भैया? दूर रहो मुझसे, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, और तुम चाहती क्या हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। ठीक है, मैं इस घर को छोड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। अब तो मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मॉम डैड के साथ घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन वो मॉम डैड भी सिर्फ मेरे हैं भैया। बक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अकड़म बकड़म करना हो, अर्णव मिली के जाल से मुक्त हो, मिली यहाँ से छुमंतर हो, छो। थैंक गॉड तुम आ गए, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो कहाँ है?
कि रास्ते में ही हमें खटक गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। चलो अभी हम तुमको घर छोड़ाता हूँ। और हाँ, हम भी एक बात ध्यान रखना, घर में अकेले मत रहना, हर समय मम्मी पापा के साथ रहना। और हाँ, ठीक एक घंटे के बाद निकल पड़ना है। चलो। हम दोनों कोई जरूरी काम से बाहर जा रहे, तुम घर पर रहकर मिली का ख्याल रखना। क्या, मैं और मिली अकेले और वो भी घर पर? नहीं नहीं, वो मुझे जान से मार डालेगी। अर्णव, तुम्हारा तमाशा फिर से शुरू हो गया। लेकिन पापा, आप मुझे अकेले ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मिली है ना तुम्हारे साथ। वही तो मुसीबत है। अगर पापा आप, ठीक है पापा, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप जाइए, मगर जल्दी वापस आना प्लीज। मगर याद रखना, हम हर आधे घंटे बाद फोन करके चेक करते रहेंगे, ठीक है? चलो। अर्णव, तुम यहीं पे रुकना, हम मिली का हालचाल पता करके अभी आता हूं। इस बला को क्यों ले आए? अरे घबराओ मत, हमने इसको बहुत गहरी नींद में सुला दिया है, अब ये नहीं उठेगी। बस अभी हम इसका 1, 2, 4 करके अभी आता हूँ। ठीक है नटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसे कैसे, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पीछे से फोन कर दिया तो? हाँ, मगर नटी, जब वो वापस आएंगे और मिली को गायब पाएंगे तब हम क्या करेंगे? अरे ये प्रॉब्लम का हल भी हमारे दिमाग में है। हम क्या करेंगे कि मिली का एक डुप्लीकेट मिली बना देंगे, और उसके बाद कुछ दिनों में हम यहाँ वापस आके बोलेंगे हम मिली के पिताजी हैं, और इसका वापस ले जाएंगे। The end. Wow, cool idea. मगर मिली के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। अरे वो सब बातें हम बाद में करेंगे, चलो बाप बोलो। हाय पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मिली भी ठीक है। क्या आप मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करते? मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है। तुमने मुझे बहुत कमजोर समझ लिया भैया। कौन कौन बोल रहा है? ये कैसे हो सकता है? नटी तो तुम्हें उठा के ले गया था। तुम्हारा दोस्त मेरा डुप्लीकेट बनाना चाहता था, मैंने उसका काम आसान कर दिया और पहले ही उसे अपना डुप्लीकेट तोहफे में दे दिया। हा। अब शुरू होगा असली खेल। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज।
कह रही हूँ, मेरा सर सच में बहुत दुख रहा है। बहाना मत बनाओ, मैं जानता हूँ मिली की फिक्र तुम्हें वापस ले आई। मिली छोड़ो मेरे को, मैंने कहा छोड़ो दे। अकड़ बकड़ बंदे वो अगड़म बकड़म करना हो, मिली हमारी तरफ देखो, मिली हमारी बात सुनो। देखो मिली, कहा है कि बहुत साल पहले एक दर्दनाक हादसे में तुम्हारे मम्मी पापा की और तुम्हारी मौत हो गई थी, और अब उसके बाद जो है बहुत से लोग ही घर में रहने आ चुके हैं। अब अर्णव जो है अपने मम्मी पापा के साथ इसी घर में रहता है, ये उसका घर है। तुम हम लोगों की तरह जिंदा नहीं हो, ये घर तुम्हारा था, पर अब ये घर अर्णव का है, और ये तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं, अर्णव के मम्मी डैडी। हाँ मिली, भले इन लोगों की शक्ल तुम्हारे पेरेंट्स से मिलती हो, लेकिन ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है। देखो मिली, ये तुम्हारे डैडी हैं, ये तुम्हारी मम्मी और ये तुम हो, और ये तस्वीर जो है बहुत पुरानी है, जब तुम सब लोग जिंदा थे। छो। मतलब मेरे मम्मी पापा मर गए? I'm sorry भैया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे अपनी सही जगह वापस जाना होगा। बाय भैया। बाय। अब मम्मी पापा का क्या करें? करना कहा है, ठीक तो है, मतलब ठीक कर रहे हैं ना। पहले वो फोटो छो। तुम खुद तो हो ना बेटा। देखो मैंने अपने ही बेटे की बात नहीं मानी, सॉरी बेटा। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, लेकिन मिली ने ऐसा क्यों किया? मिली ने क्या किया, वो तो बस हमारे साथ खेल रही थी। हाँ एक्चुअली नटी ने उसे ठीक कर दिया। हाँ जी, क्या कहा? मिली के माँ बाप का पता चल गया है, वो जिंदा है और वो उसे लेने आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम अभी आ गए। मिली के माँ बाप का पता चल गया है। नहीं, हमने नहीं किया, उनके बाबा के बारे में कुछ नहीं पता। Oh, my God.